चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में दोनों ही दल ताकत दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो अब सड़क पर उतरकर अपनी ताकत को दिखा रही है, और इंदौर में ही कुछ ऐसा देखने को मिला जहां पर युवक कांग्रेस, जी हां, यूथ कांग्रेस जो है वो सड़क पर नजर आई। सड़क पर ऐसे नजर आई कि बड़ी ताकत भी दिखाई। दरअसल युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे इंदौर में, यहां यूथ कांग्रेस ने बड़ी वाहन रैली निकाली, जबरदस्त हल्ला बोल किया और सरकार को भी घेरा। गांधी भवन से शुरू हुई ये वाहन रैली शहर के तमाम मार्गों से गुजरी। युवक कांग्रेस ने शुरुआत कर दिया है दरअसल मध्य प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने का, और यूथ कांग्रेस ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर परिवर्तन यात्रा निकालेगी। बार बार प्रूव कर चुका है मध्य प्रदेश का युवा चाहता है परिवर्तन। युवा कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा के तौर पे पूरा देश भर यात्रा निकाल, प्रदेश में यात्रा निकालेगा और इस बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। बीजेपी की सरकार ने 450 का सिलेंडर कर दिया है, सिलेंडर भी अलग से और 3000 रुपए तक जाएंगे। 9.5 साल के बाद याद आ गया, समय व्यर्थ कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी मैं कह रहा हूँ आपके सामने, यहाँ आपका समय व्यर्थ हो रहा है। आप पूरा मंत्रिमंडल सारे लेके क्यों भर रहे? उनका सर्वे में आ चुका है, वो बिल्कुल क्लियरली आ रहा है, वॉश आउट हो रहा है। इसीलिए वो कांग्रेस नेता को जो जो बाहर घूमना नहीं है, इनको थोड़ा रोक लगाने का इनका सोच है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पहुंचे थे इंदौर और सीधे सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं क्यों कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी परिणाम आएंगे। युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगातार कोशिश में है इस बार के युवक कांग्रेस के जो चेहरे हैं उनको टिकट मिले। युवक कांग्रेस की सक्रियता पहले भी नजर आ रही है। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी उनके साथ थे और कहा भी जा रहा है कांग्रेस युवा चेहरों पर दांव आजमा सकती है, लेकिन युवक कांग्रेस जो है अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है। यही वजह है कि इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम करके मौजूदगी दर्ज कराई है, उपस्थिति दर्ज कराई है यूथ कांग्रेस ने, और अब देखने वाली बात यह होगी कि युवक कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा का चुनाव में कितना असर होगा। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाई धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने, आप देखते रहे अभी तक।